श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे भी अनंत जन्म हो चुके, मेरे भी अनंत जन्म हो चुके, किंतु तुझे न अपने जन्म याद है न मेरे जन्म याद है, मुझे अपने भी जन्म याद है और तेरे भी जन्म याद है। तो यदि भगवान का संसार में जन्म होता है, अवतरण होता है, क्या ये भगवान माँ के पेट से प्रकट होते हैं एक संसारी बच्चे के समान, अथवा कहीं बाहर से आ जाते हैं? अजोपि सन्नव्ययात्मा, अजोपि सन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, संभवाम्यात् मायया, संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि भगवान सर्वव्यापक है, किंतु साथ ही साथ वो साकार शरीर भी धारण करता है और संसार में अवतार लेकर आता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे भी अनंत जन्म हो चुके, मेरे भी अनंत जन्म हो चुके, किंतु तुझे न अपने जन्म याद है न मेरे जन्म याद है, मुझे अपने भी जन्म याद है और तेरे भी जन्म याद है। तो यदि भगवान का संसार में जन्म होता है, अवतरण होता है, क्या ये भगवान माँ के पेट से प्रकट होते हैं एक संसारी बच्चे के समान, अथवा कहीं बाहर से आ जाते हैं? जैसे कृष्णावतार हुआ कंस के कारागृह में, तो क्या श्री कृष्ण चंद्र भगवान देवकी के पेट से आए अथवा बाहर से कूद के जेल में पहुंच गए? क्योंकि भागवत कहती है, आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। जैसे चंद्रमा बनता नहीं है, आकाश में 16 कलाओं में प्रकट हो जाता, इसी प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र भगवान वो केवल प्रकट हो गए। तो क्या ये भगवान बाहर से प्रकट हुए? ये प्रश्न लोगों के मन में चिंतन करने पर उत्पन्न हो सकता है, अथवा वो मां के पेट से आते हैं। रामायण भी कहती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जी नहीं, भगवान का अवतार मां के पेट से नहीं होता। भगवान को क्या आवश्यकता है कि किसी संसारी मां के पेट में 9 महीने के लिए उल्टे टंग जाएं? वे तो बाहर से ही आते हैं। कैसे? देखिए, हम भागवत से ही सिद्ध करते हैं। भागवत कहती है,
तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। जब कृष्णावतार हुआ, सर्वप्रथम भगवान चतुर्भुज विष्णु के स्वरूप में प्रकट हुए। चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म पकड़े, 6 फुट के शरीर में भगवान देवकी वसुदेव के सामने व्यक्त हो गए। तो ये 6 फुट वाले भगवान क्या देवकी के पेट से आ सकते थे? भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता, वो सुदर्शन चक्र की धार ऐसी है कि उसके सामने अनंत ब्रह्मांडों की धार 0/100 हो जाए। वो चक्र को लेकर यदि देवकी के अंदर बैठ जाते, बताइए देवकी बेचारी की क्या गति होती। तो भगवान बाहर से आए और देवकी ने स्वीकार किया, आप मेरे पुत्र नहीं है, आप तो मेरे पिता के पिता के पिता ब्रह्मा जी के पिता हैं। अंतिम रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षाद् विष्णुराध्यात्मदीप। देवकी कहती है कि महाराज, जो भगवान संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं, जो श्री विष्णु के नाम से विख्यात हैं, वो आप स्वयं हैं, और मैं जानती हूं आप क्यों आए हैं। मैंने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था कि आप मेरे पुत्र बन के आइए, किंतु महाराज आप तो पिता बन के आ गए। वसुदेव जी ने भी स्तुति की, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दः स्वरूपो सर्वबुद्धिदृक्। महाराज आप तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के प्रेरक हैं। तो फिर देवकी ने वो विष्णु चतुर्भुज भगवान से प्रार्थना की, उपसंहार विश्वात्मन नदो रूपम लौकिकम। महाराज आप इस रूप को अब छिपा दीजिए और अपनी लीला प्रारंभ कीजिए। कौशल्या ने भी यही प्रार्थना की। भगवान चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए कौशल्या के यहां, उसने कहा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। महाराज लीला करो, लीला करने का मतलब एक्टिंग करो, इस रूप को छिपा दो और अपना ड्रामा शुरू करो। तो वो प्रार्थना से वो 6 फुट वाले भगवान एक नवजात शिशु बन गए और लीला का अध्याय प्रारंभ हुआ। तो लीला कहां से हुई? रामायण में बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु मुस्काना। बच्चा बनने के बाद भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराए क्यों? बच्चा तो रोता है पैदा होते समय। मुस्कुराए इसलिए कि अभी हम एक्टिंग शुरू करेंगे, और उसके बाद जब एक्टिंग शुरू हुई, पर्दा उठा, तो रोदन ठाना भैग करके रोने लग गए। तो संसारी लोग देख रहे हैं ये बच्चा रो रहा है, पेट से निकला है, किंतु फैक्ट ये है भगवान कभी पेट में थे ही नहीं। भागवत कहती है मन आनक दुंदुभे।
श्री कृष्ण पहले अनक दुंदु भी वसुदेव जी के मन में बैठे रहे। वहां से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हो गए और अपनी योग माया से देवकी के पेट को बढ़ाकर मां को अनुभव कराया कि देखो मैं तुम्हारे पेट में हूं, और फिर बाहर से प्रकट हो गए, पेट को खाली कर दिया। तो देवकी भी भूल रही है कि मैंने वरदान मांगा था छोटे से बालक बन जाओ। अगर देवकी को कौशल्या को याद रह जाए हमने क्या देखा था, उनको कभी मां का सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान अपनी योग माया से मां को भुला देते, उस पर पर्दा डाल देते, तो वो देवकी वो कौशल्या यही जानते हैं कि भगवान तो मेरे बेटे हैं, और उस भाव के साथ उनसे स्नेह करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अर्जुन मैं अपनी योग माया से अपने को आवृत कर देता हूं। तो इस श्लोक में भगवान ने ऐसा ही समझाया अर्जुन को कि अर्जुन मैं तो अज हूं, अज माने अजन्मा, फिर भी अपनी योग माया से, माया नहीं योग माया से मैं संसार में दिव्य जन्म लेता हूं। भगवान का शरीर भी दिव्य होता, वो जो दिव्य शरीर होता है भगवान का वो कैसा होता है इसे शब्दों में कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। और हम लोगों ने अनादिकाल से उस दिव्य साम्राज्य के एक परमाणु का भी अनुभव नहीं किया। तो कोई संत हमको कैसे समझाए ये दिव्य कैसा होता है? जैसे मान लीजिए अगर एक नीम के पेड़ का कीड़ा आपके पास आए और आपसे पूछे क्यों जी ये रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, अब आप नीम के पत्ते के कीड़े को कैसे समझाएंगे? आप कहेंगे क्यों भाई कीड़े तुमने चीनी खाई है? जी नहीं साहब। गुड़ खाया है? जी नहीं साहब। मिश्री? बिल्कुल भी नहीं। अरे कोई मीठी चीज खाई है? जी मैं तो नीम का कीड़ा हूं, वो पत्ते पे पैदा हुआ, जीवन भर नीम को ही खाता रहा। तो आप कहेंगे अरे नीम के कीड़े तुमने जीवन में कभी किसी मीठी चीज का अनुभव ही नहीं किया, अब हम तुमको कैसे समझाएं ये रसगुल्ले की मिठास कैसी है? अगर तुमने गुड़ ही खा लिया होता तो हम बता देते उससे 10 गुना मीठा है, लेकिन तुम्हारे अनुभव के बाहर है। इसी प्रकार से हम लोगों ने, मायाधीन जीवों ने अनादिकाल से माया के संसार को ही देखा, सुना, सूंघा, स्पर्श किया, रस लिया, अपने पांचों इंद्रियों से, मन से सोचा, बुद्धि से जाना। हमने भगवान के दिव्य जगत के एक परमाणु का भी अनुभव नहीं किया, तो फिर कोई संत हमें कैसे समझाए
कि भगवान का शरीर कैसा दिव्य होता है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।